अब वो पिज्जा लेके आ गया लेकिन पिज्जा बॉक्स ओपन नहीं कर पा रहा है, इसलिए बहुत सैड हो गया है और बोल रहे मम्मा पता नहीं इसके अंदर क्या है, पिज्जा तो है नहीं, प्लीज आप लोग हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। तो गाइस, आज है हैप्पी मदर्स डे, आज मातृ दिवस है। तो अभी बज रहा है 8, 8 से 8:30 हो गया है घड़ी में। तो पूरे दिन में ना टाइम ही नहीं मिला था, ऑफिस से कोई छुट्टी नहीं मिली थी मुझे। मतलब आज संडे है, वीकेंड में कोई ऑफ नहीं होता है, इसलिए मेरा बाबू के साथ हम रह ही रह पाए, आज टाइम एक्सपेंड नहीं कर पाए। बट मम्मी की भी ना बहुत ज़्यादा याद आ रही थी मेरी मम्मी की, इसलिए मैंने मॉर्निंग में मम्मी से बात कर लिया था फ़ोन में, बस देख नहीं पाए क्योंकि मम्मी के पास कोई बड़ा फ़ोन नहीं है, इसलिए हमने वीडियो कॉल में देख नहीं पाए। मम्मी का देखने का मन कर रहा था बहुत ज़्यादा। जो 7 साल हो गई मैं मम्मी को छोड़ के आ गई हूँ गुड़गांव में, मम्मी वेस्ट बंगाल में यार, मैं गुड़गांव में रह रही हूँ। मम्मी बिना ना बिल्कुल मन नहीं लगता, कभी कभी ना ऐसे लगता है भाग के मम्मी के पास जाऊँ और मम्मी का गला पकड़ लूँ और रोऊँ पकड़ के और बोलूँ माँ तुम्हें क्या मन अच्छो। आज भी ना ब्लॉग बंगाली में ही मन कर रहा था क्योंकि आज मेरा है अमर मातृभाषा बांगाली, इसलिए मुझे बहुत मन कर रहा था जे मेरी मम्मी के लैंग्वेज में बनाओ इस ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो मेरा ब्लॉग देखते हो उन लोग अगर मैं बंगाली में बनाऊंगी तो समझ में आएगा नहीं, इसलिए मुझे हिंदी में ही बनाना पड़ रहा है। और इधर मेरा बेटा का कल टेस्ट है, एग्जाम है इंग्लिश का, इसीलिए वो पढ़ाई कर रहा है और उनका फेवरेट का खाना बन रहा है आज, क्योंकि हम लोग है बंगाली तो बंगाली को ना ज्यादातर चावल पसंद होता है और बिरयानी तो और भी ज्यादा पसंद होता है। तो बाबू का फेवरेट है चिकन बिरयानी। मम्मी और बेटा बहुत ज्यादा मस्ती करेंगे। जो बेटी ना मेला बोलो, बाजार बोलो, कहीं पे भी मम्मी बिना कहीं नहीं जाती थी, वो बेटी 7 साल हो गई मम्मी को छोड़ के मैं दिल्ली पे रहने लग गई हूँ और 2-3 साल हो गई मैं इस आंखों से मम्मी को नहीं देखा। मैं जब ऑफिस में थी तो मेरा हस्बैंड ने 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था बाबू के लिए, क्योंकि मदर्स डे में उसको पिज़्ज़ा खाना था। फिर मैं ऑफिस से आने के बाद दोनों माँ बेटा गए पिज़्ज़ा कलेक्ट करने, फिर लेके आए एक वेज एक नॉन वेज, उसके साथ एक चॉकोलावा केक जो फ्री में मिला था। बाबू से नहीं कट पा रहा था पिज़्ज़ा तो मैं भी उसका हेल्प किया है। बहुत इंजॉय के साथ हमने पिज़्ज़ा खाया पहले, उसके बाद बिरयानी पे आ गए क्योंकि बाबू को बिरयानी भी खाना था। वो बोल रहे थे मदर्स डे पे मुझे बिरयानी भी खाना है। तो कुछ दिन पहले ना मैं शॉपिंग मॉल गई थी, वहाँ से बिरयानी चावल लेके आई थी राइस, और उसके लिए एक मसाला भी लेके आई थी MDH का जो बिरयानी मसाला था, वही मैं यूज़ करूँगी। फिर मेरा गर्म पानी में मैंने चावल ना 1 घंटे लगभग भिगो के रखी थी, फिर मैंने चावल अच्छे से लिया है। उसके बाद मेरे बाबू मेरे हेल्प कर रही थी, बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे वो। तो जो मैंने ना इसमें ना कोई पाउडर मसाला सूखा मसाला यूज़ नहीं किया है, अदरक लहसुन वगैरह मैंने एक साथ मिक्सर में पेस्ट करके इसमें डाल दिया है, दही डाला है, टमाटो तेज़पत्ता और साबुत गरम मसाला, सरसों का तेल और हल्दी नमक सब एक साथ मेरा बाबू ने ही ऐड कर दिया चिकन में। और फिर मैगनेशन कर रहे मेरा बाबू ही मेरा हेल्प कर रहे थे और वो हेल्प करना, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो हाथ से नहीं हो पा रहा था, स्पैचुला से कर रही थी, फिर बाद में मैंने हाथ से किया, उसका हेल्प किया है। फिर मैंने जो ब्राउन कलर के जो मैंने अनियन ऐड किया था, तो अनियन फ्राई किया था उस ऑयल में, मैंने चिकन बना लिया फाइनली। और मैंने ना कैवरा वाटर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी बिरयानी में क्योंकि मेरा बाबू नहीं खा पाएगा, वो जैसे खा पाएगा। मैंने नॉर्मल तरीके से भी बनाए हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा प्लीज़ आप ऐसे बना के खा सकते हो। बच्चे तो बाबू का पसंद था बिरयानी, रेडी होने वाला है तो मैंने घी थोड़ा ज्यादा यूज किया था। ये देखो मेरा बिरयानी फाइनली रेडी हो गया है और हम बहुत ज्यादा एंजॉय किया है माँ बेटा। और उसके लिए मैंने लेग पीस लेके आई थी, चिकन लेग पीस, वो खा नहीं पाए, पूरी 2 लेके आए थे, थोड़ा बहुत खाया और बदमाश बच्चा है मेरा, फोन भी देख रहा था खाते खाते। तो गाइस गुड नाइट, बाय बाय।